गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने गॉस थ्योरम के सेकंड वीडियो में मैंने गॉस थ्योरम के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था और इसे प्रूव भी किया था। आज की वीडियो में मैं गॉस थ्योरम की सहायता से यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के कारण हम सेल के बाहर, सेल के सरफेस पे और सेल के इनसाइड हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र निकालना आपको बताएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक स्फेरिकल सेल क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, जिसका रेडियस आर है, सेंटर ओ है और इसे प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, जो आप देख रहे हैं कि इसके सरफेस पे एक समान रूप से यूनिफॉर्मली क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, वितरित है। और हमें क्या करना है, अब इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट सपोज कर लेना है, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पॉइंट पी से होके जाने वाला स्मॉल आर रेडियस और ओ सेंटर का एक और जो है स्फेरिकल सरफेस क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं, या कह सकते हैं इमेजिन कर लेते हैं, जिसे हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, इस सरफेस पे पॉइंट पी पर, इस सरफेस गॉसियन पृष्ठ पर पॉइंट पी पर हम क्या कर लेते हैं एक, या इसके चारों ओर हम एक क्षेत्रफल अवयव डी ए का एक छोटा सा पार्ट डी ए हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, और जिसके करस्पॉन्डिंग क्या है, वेक्टर फॉर्म में ये डी ए वेक्टर है। अब चूंकि आप जानते हैं कि जो गॉसियन पृष्ठ है और जो ये स्फेरिकल सेल है, दोनों का सेंटर एक ही है, तो जब भी हम स्फेरिकल सेल मतलब सॉरी जब भी हम गॉसियन पृष्ठ के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालेंगे, वो सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि सेंटर क्या है, सेम है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम सपोज कर लेते हैं कि पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, जो क्षेत्रफल वेक्टर डी ए के क्या है, पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है और पैरेलल कह सकते हैं कि समान डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, वो भी बाहर की ओर है। तो जब चूंकि एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल बनेगा ही नहीं, तो इसका मतलब डी ए वेक्टर और ई के बीच जो एंगल होगा वो हम क्या कर लेंगे, जीरो सपोज कर लेंगे। यहाँ पे हमने वो चीज़ें क्या किया है, जो अभी आपको समझाया, यहाँ पे हमने वो चीज़ लिख लिया है। अब हम क्या कर लेंगे, ई डॉट डी ए का क्या कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ई डी ए कॉस जीरो हो जाए, कॉस जीरो की वैल्यू एक होती है, तो ई डी ए बराबर मतलब इंटू कर लेंगे तो ई डी ए मिल जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, अब इस पूरे गॉसियन सरफेस से बाहर की ओर निकलने वाला कुल हम वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इस पर हम इंटीग्रल का साइन लगा देते हैं, क्योंकि फार्मूला भी जानते हैं, तो आप फॉर्मूले से भी समझ सकते, फाइव इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए। अब हम ई डॉट डी ए की वैल्यू रख दिए, ई डी ए रख दिए, उसके बाद हम ई को क्या किए, बाहर ले लिए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी ए लग गया। और चूंकि जानते हैं स्फेरिकल सेल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 4πr² होता है, पृष्ठक्षेत्रफल 4πr² होता है, तो 4πr² हम यहाँ पे डी ए की वैल्यू रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर वन बनाएंगे, गॉस थ्योरम से आप जानते हैं फाइव इक्वल टू क्या होता है, q/0 होता है। क्वेश्चन नंबर दो बना लेंगे, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से दोनों ये वैल्यू इक्वल है, तो ये भी वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से ई निकालेंगे तो ये इसके डिवाइड मार देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 q/r² मिल जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर हम दो बना लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं, अब चूंकि एक चीज़ का ध्यान देते हैं कि जो प्लस क्यू चार्ज है वो इस स्फेरिकल सेल, इस कैपिटल आर रेडियस की स्फेरिकल सेल पर एक समान रूप से क्या है, वितरित है। तो यहाँ पे हमने लिखा है प्लस क्यू चार्ज का है स्फेरिकल सेल के संपूर्ण पृष्ठ या सरफेस पर कह सकते हैं समान रूप से वितरित है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, पृष्ठ घनत्व निकालते हैं इस स्फेरिकल सेल पर। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, डिफिनेशन आपको बता ही चुका हूँ, q/a होता है, a की वैल्यू 4πR² रखेंगे, क्योंकि रेडियस क्या है, कैपिटल R है, तो हमें मिल जाएगा q/4πR². अब हम जो है q निकालेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो मिल जाएगा 4πR² सिग्मा। इक्वेशन नंबर टू में क्या कर देंगे, हम जो है q की वैल्यू पुट कर देंगे, तो q की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4πR² सिग्मा, बाकी R² होगा, तो 4π कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा यहाँ सिग्मा, यहाँ से एप्साइनल डिवाइड के रूप में लिख लेंगे, R² अपन R² है, तो इसे R अपन R² इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर इसको बना लेते हैं थर्ड। तो इस प्रकार आपको सरफेस के आउटसाइड आपको जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री ऐसा प्राप्त
होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोश के सरफेस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है सरफेस पे। तो हम क्या कर लेते हैं, हम आर बराबर कैपिटल आर ले लेते हैं, तो आर बराबर कैपिटल आर क्वेश्चन नंबर टू में रख देते हैं, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो ये मिल जाएगा बाहर। अब हमें इनसाइड निकालना है, इनसाइड टू इनसाइड निकालने के लिए चूंकि हम जानते हैं कि जो प्लस क्यू चार्ज है वो एक समान रूप से सरफेस पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना कि को सेल के अंदर है, इनसाइड है, इसलिए क्यू का वैल्यू जो सेल के इनसाइड क्या होगा, जीरो होगा। तो इक्वेशन नंबर हम जो है वन में, इस इक्वेशन नंबर जो है टू में हम क्या कर लेते हैं, क्यू की वैल्यू रख देंगे तो जीरो मिल जाएगा, अर्थात हम के भीतर स्फेरिकल सेल के भीतर कहीं भी निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र का मान जो होगा शून्य होगा। तो इस प्रकार हमें जो है सेल के बाहर, सेल के पृष्ठ पर और जो है भीतर वैद्युत क्षेत्र गॉस के थ्योरम से की सहायता से प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, आप इसका प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।